डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय की तलाशी के लिए पुलिस टीम सिरसा पहुंचना शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से सिरसा डेरा मुख्यालय की तलाशी की अनुमति मांगी थी। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल और एंटी साबोटाज जैसी टीम सिरसा पहुंची है। हाईकोर्ट ने सिरसा डेरा की तलाशी की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज KS पवार को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है। कोर्ट ने सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश दिया है। हरियाणा के पानीपत में सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला को बिना स्टिच के डिस्चार्ज किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे बेटी पैदा हुई थी। नर्स ने 500 रुपए बधाई मांगी थी। घर पहुंचने पर महिला को दर्द शुरू हो गया। वापस अस्पताल लाने पर स्टिचिंग नहीं होने का पता चला। अस्पताल प्रशासन ने आरोपी नर्स पर कार्रवाई का आदेश दिया है। टेरर फंडिंग केस में कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल कयूम को नोटिस भेजे जाने का वकीलों ने विरोध किया है। NIA ने अब्दुल कयूम को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कयूम अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का करीबी माना जाता है। कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद वटाली से पूछताछ में कयूम का नाम सामने आया है। हाईकोर्ट के बाहर NIA विरोधी स्लोगन लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। बिहार के बख्तियारपुर में फुलेश्वर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भरने को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि पेट्रोल भराकर जैसे ही कुछ दूर आगे गए बाइक बंद हो गई। पेट्रोल की जांच करने पर पानी भरे जाने का खुलासा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। पेट्रोल पंप मालिक ने मिलावट से इनकार किया है। बिहार के गोपालगंज में महावीरी जुलूस के दौरान अखाड़ा समिति पर अश्लील डांस कार्यक्रम का आयोजन कराने का आरोप लगा है। मीरगंज के पिपरा में मंगलवार को महावीरी जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। रोक के बावजूद महावीरी अखाड़ा समिति ने ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया और भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस कराए गए। हरियाणा के गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव के लिए BJP ने तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम के लिए 8 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा BJP अध्यक्ष सुभाष बरोला की अगुवाई में मंगलवार को गुरुग्राम में BJP नेताओं की बैठक हुई। झारखंड सरकार ने बहरागोड़ा के छात्रों को टीचर दिवस के मौके पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात दी। 2007 में इस कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। CM रघुवर दास ने सिंदरी से ऑनलाइन उद्घाटन किया। बिहार के कैमूर जिले में PDS गोदाम में हेराफेरी का आरोप लगा है। स्थानीय प्रशासन को SFC के गोदाम से अनाज ट्रकों में लाद कर कहीं और भेजे जाने की शिकायत मिली थी। SDM ने गोदाम को सील कर 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 21 पुलिस वालों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। बीजापुर के नए SP ने ज्वाइनिंग के पहले ही दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस वालों को प्रमोशन की सौगात दी। फरसेगढ़ थाना इलाके के काकलेर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली थी। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पूरे होने के मौके पर आज से मां नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। नर्मदा नदी पर इस बांध को बनाया गया है। आज से 17 सितंबर तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। राज्य सरकार इस मौके पर नर्मदा रथ की भी शुरुआत कर रही है। इस तरह के कुल 84 नर्मदा रथ तैयार किए गए हैं। इस रथ के जरिए सरकार की कोशिश नर्मदा प्रोजेक्ट की महत्ता और इससे होने वाले फायदे को जन जन तक पहुंचाने की है। 17 सितंबर को महोत्सव से समापन के दिन PM मोदी सरदार सरोवर बांध को राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। इस बांध को बनने में 56 साल लगे हैं।